क्रेन द्वारा भगवान को 56 भोग चढ़ाया जाएगा। और एक हमारी कई सारे महिला भक्तों ने बहुत बड़ी मात्रा में सांस्कृतिक कार्यक्रम तैयार किया है, जो जगह जगह स्थान स्थान पर होकर हरे कृष्णा के तौर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। और मेन आकर्षण विदेशी भक्त हैं जो हमारे एस्कॉन से जुड़े हुए हैं पिछले कई वर्षों से, वो वृंदावन गाजियाबाद अलग अलग एस्कॉन मंदिरों से आए हुए हैं और वो भी अपने कार्यक्रम को पेश करेंगे भगवान के हरे कृष्णा महा मंदिर वृंदावन से। परम पूज्य वैष्णव मेरा नाम भीम अर्जुन दास। शोभा यात्रा कहाँ से कहाँ तक रथ यात्रा निकली जाती है? ये रथ यात्रा 9 फरवरी को आनंद आश्रम रामपुर गार्डन से और ये राजन नगर में बांके बिहारी मंदिर तक समापन होगा इसका। और ये मुख्य चौराहे जो शहर के हैं, चौबी चौराहा, युवका चौराहा, कुहाड़ा पीढ़ और सिलेक्शन पॉइंट सील चौराहा होते हुए राजन नगर में बांके बिहारी मंदिर पर विश्राम करेगी। कितने वर्षों से शोभा यात्रा निकल रही है? ये बड़े स्तर पर पिछले 2 साल से निकल रही है पूरे शहर में और छोटे स्तर पे मंदिर के आसपास पर में लगभग 8-10 साल से निकल रही है। इसमें बाहर से भी कुछ लोग विदेशी लोग भी आ रहे हैं? हाँ, इसमें काफ़ी बाहर से भक्त आ रहे हैं, जिसमें रसिया से और जर्मनी से और यूक्रेन से और बाहर जो मंदिर हैं इंडिया में अपने, दिल्ली से, गाजियाबाद से, नोएडा से, गुड़गांव से, मुरादाबाद से, रुद्रपुर से, पिलखुआ से, यहाँ से भी भक्त लोग आ रहे हैं। कुछ इस रथ यात्रा में कुछ नया कोई हाँ नया? एक तो 2 साल से जो 56 भोग लग रहा है जो मुख्य आकर्षण है, कोतवाली के पास भगवान को 56 भोग क्रेन के द्वारा लगेगा और विदेशी भक्त जो आ रहे हैं वो एक मुख्य आकर्षण है। और एक और मुख्य आकर्षण है जो कॉलेज के जो विद्यार्थी हैं उनका एक ग्रुप होगा जो रथ यात्रा के आगे हरे कृष्णा के धुन पे समूह में नृत्य करेंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। एनजी न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।